भाई इतनी बड़ी बेशर्मी, इतनी बड़ी नीचता, इतना बड़ा कुत्तापन हमने तो नहीं देखा भाई। एक आदमी, हमने कह रहा हूं मैं, एक आदमी अपने निजी स्वार्थ खातर उसी कौम को एक बार खालिस्तान नहीं कह रहा है, थोड़े दिन बाद जब उसने अपना स्वार्थ निकालना है तो उसी कौम के योद्धाओं को वो बड़ा बाल वीर बाल दिवस मनाने की बात कह रहा है। इतना दोगला आदमी, एक तरफ तो गोडसे को भी माड़ा पहरा रहा है, दूसरी तरफ गांधी को भी माड़ा पहरा रहा है, और दोनों को एक दूसरे के दुश्मन बता रहे हैं। भाई मेरी जो समझ है ना, अगर ये बात देवेंद्र भाई अब आप चर्चा करना, ये जो कुछ शब्द है अगर कोई सिख भाई सुन ले और समझ ले तो एक बार मंथन जरूर करना, इससे बड़ी नीचता का कोई पैमाना नहीं हो सकता। भाई मैं ये कहता हूं, इसको सिर्फ सिख भाई नहीं, इसको कोई भी देख लो, इसको कोई भी समझ के देखो, और एक बार पता लगाओ भाई, जिस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था उस किसान आंदोलन में वहां बैठे हुए सिखों को खालिस्तानी कहने का जो नीच काम था वो यही आदमी कर रहा था, और इसी टाइम पे ये क्या कर रहा है आज, इसके माथे पे देख लो, यो के है आज, यू सिर पे के उड़ रहा है पूरा इनता। ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का इस्तेमाल कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मतलब अब उनको सिख राजी करने हैं, और कल को ये किसी दूसरी कौम को बदनाम करेगा और फिर उसको उसके आदमी किराए के आदमी बिठाएगा और उनको बुला देगा। जैसे क्या कह रहे थे, बोला किसान आंदोलन में तो किसान नहीं बैठे, किसान संगठन तो हमारे साथ हैं, ऐसे ही जब कल को लोग खड़े होंगे अपने ही गुंडों के द्वारा, कल को ये अगर खालिस्तान की मांग नहीं उठवा देगा, इस बात का आपको क्या लगता है कि ये सच नहीं है? मैं इस बात का जिक्र आपसे पहले भी कर चुका हूं और मैं लगातार आपको बताता जा रहा हूं कि अगर आप इस देश की सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए आप कौन हैं, और अभी भी सत्ता से सवाल पूछने का काम एक ही कौम ने किया था और वो थी किसान कौम, और किसान कौम जब सड़क पे आई तो किसान कौम को इन्होंने खालिस्तानी बनाने की कोशिश करी, इन्होंने इसकी पटकथा लिख दी। हाँ, जब कुछ सिस्टम और तोड़ना था हिंदू मुसलमानों में, मुसलमान बहुत ज्यादा आतंकवादी थे, लगभग 6 महीने पहले करनाल में 4 लड़के पकड़े गए सिखों के, और साथ में बम ग्रेनेड के साथ में वो आतंकवादी घोषित कर दिए गए। अब धीरे धीरे करके जिनकी आड़ में ये वीर बाल दिवस मना रहा है ये रामखोर, ये कल सिखों को आगे करके और खालिस्तान बनाने की तरफ ये जाएंगे और साथ में सिखों को आतंकवादी बनाएंगे। मैं आपने एक बात बता दूं, देश के अंदर दुनिया के अंदर जहां भी कोई बम धमाका होता है, जहां भी कोई आतंकी घटना होती है, जहां भी समाज के तोड़ने की बात होती है, जहां भी कोई दंगा होता है, वो सरकार का प्रायोजित दंगा, प्रायोजित एक्टिविटी होती है। ये बात देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। इस देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं चाहता कि देश टूटे, ना ही इस देश के अंदर कोई खालिस्तान की मांग है। ये तभी क्यों आई जब आंदोलन होने लगता है और उसके अंदर शामिल कोई आदमी सिख होता है। जिस तरह से इनके अखबारों ने, मीडिया ने जाट आंदोलन के अंदर जाटों को भी आतंकी बनाने की कोशिश करी थी, इन्हीं लोगों ने राजस्थान के अंदर राजपूतों के आंदोलन में राजपूतों को भी गुंडा बनाने की कोशिश करी थी, इन्हीं लोगों ने गुजरात के अंदर पटेलों को भी यही काम करने की कोशिश करी थी, और इन्हीं लोगों ने, आपको याद हो 2019 का 2022 का चुनाव जो यूपी में लड़ा गया था, उस टाइम यादवों को भी गुंडा बनाने की कोशिश की गई थी, और पूरे देश के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ ये खेल खेला था। इस आदमी की कुर्सी चारों पाओ, कुर्सी के चारों पाए लोगों की लाशों में धंसे पड़े हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले वक्त में भी आपका देश और आपके बच्चे इस खतरे से बाहर नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिसाब मांगोगे, पिछले 8 सालों में पीएसयूज के बेचे हुए चीजों का हिसाब मांगोगे,
जिस दिन आप जमीन की बिक्री का हिसाब मांगोगे, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का हिसाब मांगोगे, जिस दिन आप इस सरकार से 8 सालों के गंदे कामों का हिसाब मांगोगे, उस दिन के लिए इन्होंने प्लान बना रखा है कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है हरियाणा, जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है पंजाब, और जो यूपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस एरिया के लिए अपने ऐसे गुंडे जो इस प्रोग्राम में आएंगे, इस प्रोग्राम में कोई सरदार नहीं आएगा, केवल भाजपा के गुंडे आएंगे, ऐसे गुंडों को आगे करके ये काम करेगा और ये कहेगा कि ये हैं असली सरदार। जैसे किसान आंदोलन में इनके बनाए हुए तटपुंजिये किसान जा करके कहते थे कि किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि ये कानून लगने चाहिए, यही काम इस देश के अंदर होने वाला है। क्या आप इसके समर्थन में हैं? आप जैसे सुनील भाई ने बोला कि सिखों को गौर करना चाहिए, नहीं, सिखों को गौर नहीं करना चाहिए, समाज के हर अंग को गौर करना चाहिए। और जब ये व्यक्ति ऐसा कोई नीच काम करता है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, वही निंदा जो राजनाथ सिंह पाकिस्तान की करता है जब वो हमारे सैनिकों को मारता है, वैसी निंदा नहीं, असली निंदा होनी चाहिए। वहां डिबेट होनी चाहिए, गांव में चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर अपनी बात होनी चाहिए और इस आदमी को लानतें भेजनी चाहिए। आपको लिखना चाहिए फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, दूसरे ट्विटर के ऊपर कि मोदी जी लानत है, लानत है तुम्हारी ऐसी राजनीति के ऊपर, लानत है इस देश के बेचने के ऊपर, लानत है लोगों के लड़वाने के ऊपर, लानत है देश को बांटने के ऊपर, लानत है। और ऐसे हर आदमी पर लानत है जो इस तरह की हरकतें करता है, चेहरा चमकाने के लिए आ जाता है। 4 दिन पहले इन्हीं बोर्डों के ऊपर लगा होता था सारे देश को वैक्सीन ठुकवाने के लिए, मोदी जी का धन्यवाद, यही होता था ना। और अखबार में क्या आ गया, टेलीविजन में, के भारत सरकार ने तो कोई जबरदस्ती करी ही नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आपको समझ आएगा। जनता सरकार मोर्चा आपको 24 घंटे चेताता रहता है, आपको बताता रहता है कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, या तो समझ जाइए, या तो बोलना शुरू कर दीजिए, या तो लिखना शुरू कर दीजिए, या तो लड़ना शुरू कर दीजिए, या तो घरों से निकलना शुरू कर दीजिए, वरना आपकी जीवन नरक से भी बदतर होने वाला है। आप कामगार हो तो भी, आप नौकरी करते हो तो भी, आप बिजनेस करते हो तो भी, आपकी दुकान है तो भी, आप खेती करते हो तो भी, राशन कोटे से लेते हो तो भी, आप किसी जात के किसी धर्म के हो, परमानेंट बीमार होने वाले हो, परमानेंट बीमार होने वाले नहीं हो तो आसपास आप हो रही मौतों को नजरअंदाज मत करिए। आपको मालूम होना चाहिए वो मौतें क्यों हो रही हैं। सरकार और प्रोपेगेंडा, मीडिया का प्रोपेगेंडा चलेगा कि ये तो ठंड की वजह से हो रही है, ये तो गर्मी की वजह से हो रही है, ये तो गुस्से की वजह से हो रही है, ये तो डिप्रेशन की वजह से हो रही है। नहीं, आपको पता होना चाहिए वो जो ऐसे पोस्टर लगते थे उनकी वजह से हो रही है। आपको समझना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा, वरना ये ऐसे प्रोपेगेंडे चलाता रहेगा। इन प्रोपेगेंडा के खिलाफ है जनता सरकार मोर्चा, इनके इस कुकृत्य की निंदा करता है जनता सरकार मोर्चा, कि देश को बांटने का काम बंद करे और देश को जोड़ने का काम करे। भाषण बड़े बड़े करना जानता है। आपको जिस वक्त रेडियो पे, टेलीविजन पे, जब इसकी वो बंदर वाली बात चलती है, मंकी बात चलती है, उस टाइम पे आपको समझाना पड़ेगा कि लानत है तुम पर, लानत है, लानत है, लानत है। जब भी कोई भाजपा का कोई नेता आपको बोलता है, सरकार का कोई नेता जो इस वैश्विक षड्यंत्र के साथ है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है, जो G20 के ड्रामे के साथ है, आपको उसके सोशल मीडिया हैंडल पर लिखना पड़ेगा लानत है। और हम भेज रहे हैं इनको ये लानत। आपसे गुजारिश है, आप भी इनके इस कार्रवाई में इनका साथ नहीं देना और देश को जोड़ने का काम करता रहना है। इतनी सी बात के ऊपर हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। आपको शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।